गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ में लेसन नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर में नाउंस, नंबर्स एंड जेंडर समझने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, नाइन्स नंबर्स क्या होता है? देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हमारे इंग्लिश भाषा में दो तरह के नाउन नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। दीज आर सिंगुलर एंड प्लूलर। सिंगुलर मतलब एक वचन एंड प्लूलर मतलब बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक को शो करेगा और प्लूलर एक से ज़्यादा को शो करेगा। तो देखिए, फॉर्मिंग प्लूलर्स यानी कि हम प्लूलर्स कैसे बनाते हैं सिंगुलर से? वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स। हम क्या करते हैं, केवल कुछ मोस्ट सिंगुलर यानी कि ज़्यादातर एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बर्ड का बर्ड्स, गर्ल का गर्ल्स। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद वाई आर चेंज्ड इनटू देयर प्लूलर्स बाय रिमूविंग वाई एंड एडिंग आई ई एस। कुछ सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं वो जो ख़त्म होते हैं उनका जो एंड होता है वो वाई पर होता है, तो उसको हम चेंज करने के लिए यानी कि प्लूलर नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें वाई को रिमूव करना होगा यानी कि वाई को हटाना होगा और उसमें आई ई एस जोड़ना होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे कि एस टी ओ आर वाई स्टोरी था, यानी कि देखिए ये लास्ट कहाँ पर हुआ, वाई पर, तो इसका वाई हम रिमूव कर देंगे यानी कि हटा देंगे और इसमें आई ई एस जोड़ देंगे यानी कि ये बन जाएगा स्टोरीज़। जैसे कि देखिए फैमिली का वाई रिमूव करके हमने इसमें आई ई एस जोड़ दिया, तो ये हो गया फैमिलीज। नेक्स्ट है आपका हाउएवर, इफ ए नाउन एंड इन वाई एंड देयर इज ए वोवल बिफोर वाई द प्लूलर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। लेकिन अगर जो कोई वर्ड वाई से ही ख़त्म हो रहा है लेकिन उससे पहले, वाई से पहले कोई वोवल है, इट मीन्स ए ई आई ओ यू कुछ भी है पांचों वोवल में से, तो हम वहाँ पे वाई को रिमूव नहीं करेंगे, आई एस नहीं जोड़ेंगे, ओनली एस ही जोड़ेंगे पूरी स्पेलिंग में एस। जैसे कि बॉय था बॉयज, टॉय था टॉयज, डे था डेज। नेक्स्ट है आपका इफ ए नाउन एंड इन एस एक्स एस एच और सी एच इट प्लूलर्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस। यानी कि कोई भी नाउन जब हमारा एंड होता है उसका, ये जो वर्ड्स हैं एस एक्स एस एच और सी एच, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस वर्ड जोड़ेंगे प्लूलर बनाने के लिए। इफ़ ए नाउन एंड विद एफ और एफ ई, यानी कि कोई वर्ड हमारा एफ या एफ ई पर ख़त्म होता है तो उसका प्लूलर बनाने के लिए हमें चेंज करना होगा एफ एंड एफ ई को इनटू वी ई एस, यानी कि हम चेंज कर देंगे यानी कि एफ हटा देंगे और उसकी जगह पे वी ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए थीव थीव्स, नाइफ नाइफ्स। द प्लूलर ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन ए इरेगुलर वे, यानी कि कुछ का कोई नियम नहीं होता, वो अनियमित रूप से बदलते हैं, जैसे कि माउस का माइस, मैन का मैन, ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फीट, गोस का गीज और चाइल्ड का चिल्ड्रन। सम नाउन्स आर यूज्ड इन देयर प्लूलर फॉर्म्स ओनली, यानी कि कुछ जो होते हैं वो अपनी प्लूलर फॉर्म्स में ही होते हैं, जैसे कि जीन्स, सॉक्स, सीजर्स, ये सिंगुलर यूज में नहीं आते। कुछ होते हैं, सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूलर फ्रॉम अलाइक, यानी कि कुछ जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूलर दोनों में सेम होते हैं। एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट, डियर और शिप, इनका सिंगुलर भी यही होता है और प्लूलर भी सेम होता है। नेक्स्ट है, सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूलर बाय एडिंग एस टू प्रिंसिपल वर्ड, यानी कि देखो स्टेप डॉटर, ये हमारा कंपाउंड नाउन, यानी कि दो नाउन्स जुड़े हुए हैं इसमें, तो इसमें सिस्टर इन लॉ, स्टेप डॉटर, तो इसमें देखिए स्टेप डॉटर का जो हमारा जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है डॉटर, तो इसलिए डॉटर्स हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। इसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है हमारे नाउन्स में जेंडर। तो देखिए, वी हैव फोर जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन कौन सा होता है, मस्कुलाइन, फीमेलाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो देखिए, मस्कुलाइन का मतलब होता है ए नाउन दैट रेफर टू ए मेल, यानी कि ये हमारे मेल को पुरुष जाति का बोध कराता है, तो इसको हम मस्कुलाइन बोलते हैं। ए नाउन दैट रेफर टू फीमेल, यानी कि हमारी स्त्री जाति का बोध कराता है, तो हम इसको फीमेलाइन बोलते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए, इसमें आएगा मैन, बॉय, डॉग, हॉर्स, और इसमें वुमेन, गर्ल, बिच और मेयर। सम नाउन्स रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल,
कुछ जेंडर जो होते हैं वो हमारे मेन और फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री जाति दोनों का बोध कराते हैं, तो उसको हम कॉमन नाउन कॉमन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स, पेरेंट्स में हमारे मम्मी पापा दोनों आते हैं। चाइल्ड यानी कि बच्चा, वो बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है, ऐसे ही फ्रेंड लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकती है, तो ये दोनों जाति का बोध करा रहे हैं इसलिए ये कॉमन जेंडर है। सम नाउन्स रेफर टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लिविंग नॉन लिविंग होती हैं, वो ना तो मेल होती और ना ही फीमेल होती, तो दे आर सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर, तो उसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बुक, अब बुक जो होती है वो क्या है नॉन लिविंग, ना तो हम इसको स्त्री बोल सकते ना पुरुष बोल सकते, तो इसीलिए हमने बुक को क्या किया न्यूट्रल जेंडर। अब चेंजिंग द जेंडर, चेंज कैसे करते हैं, मस्कुलाइन नाउन कैन बी चेंज्ड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग फेमिनाइन बाय एडिंग ए सफिक्स, किसी किसी में हम क्या करते हैं सफिक्स जोड़ करके, एग्जांपल के लिए जैसे कि लॉयन है तो लॉयनेस हो जाएगा, पॉइट है तो पॉइटिस्ट हो जाएगा, इसमें हमने सफिक्स जोड़ा है। ड्रॉपिंग द वोवल बाय मस्कुलाइन एंड एडिंग ई डबल एस, किसी किसी में हमें क्या करना होता है जैसे कि टाइगर है तो ई डबल एस जोड़ देंगे, वेटर है तो ई डबल एस जोड़ देंगे। यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि देखिए डिफरेंट वर्ड ही होता है इसके लिए चेंज करने के लिए, जैसे कि फॉक्स का विक्सन और फादर का मदर। चेंजिंग ए पार्ट ऑफ द मस्कुलाइन, यानी कि सिर्फ आधा ही पार्ट चेंज करना, कुछ ही पार्ट चेंज करना, जैसे कि ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, पिकॉक का पी हैन, इसी तरीके से आपको आगे के भी ये सॉल्व करनी है। थैंक यू।